एजेंडा आज तक की शुरुआत हुई है और उसमें मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर पहुंची हैं। वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा देते हैं, अपडेट देने के साथ साथ चुनाव का भी। ये देख सकते हैं आप मानुषी छिल्लर, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है उनका ये खिताब जीतने के बाद जिसमें वो सीधे इस तरीके से मीडिया से लोगों से रूबरू होंगी। राजदीप सरदेसाई वहां मंच पर मौजूद हैं और साथ में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड एजेंडा आज तक के मंच पर लाई। तो मैंने ऑडियंस से ये पूछा कि इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, जवाब डिड एनीवन गेस? हाँ बिल्कुल। So in 1966, the first Indian and the first Asian to win Miss World was Dr. Rita Faria. और उसमें और आप में एक सिमिलैरिटी है, वो भी डॉक्टर थी और आप भी डॉक्टर बनने जा रही है, सही है या नहीं? हाँ जी। मैं शुरुआत करूंगा लेकिन उस मोमेंट से, और मैं वीडियो पर उसे प्ले करना चाहता हूं जिस मोमेंट पर ये जो आपके सिर पर जो क्राउन लगाया गया है, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। हाँ जी, लेट स्टार्ट विद दैट। देखिए, ये एक स्पेशल मोमेंट जो मानुषी की जिंदगी को एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया है। मिस वर्ल्ड 2017 इज इंडिया। बिग हैंड वंस अगेन। मैं ये पूछना चाहता हूं क्योंकि आज तक पर हम हमेशा इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं। ये तो रही तस्वीरें, पर उस समय में, उस समय जब आपको पता चला इंडिया, तो क्या बीत रहा है, वो इनसाइड स्टोरी हमें बताइए। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, बहुत अलग फीलिंग होती है जब आप अपने देश के नाम से जाने जाते हो। एंड जब हम टॉप फाइव में आए तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि आज कॉम्पिटिशन है, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि उससे पहले ऐसे ही फील हो रहा था कि इट्स लाइक अ रिहर्सल जैसे रोज होता है। और जैसे ही टॉप फाइव में उन्होंने बोला, मेरा तीसरा नाम था जब अनाउंस हुआ कि इंडिया मेड इट टॉप फाइव, तो तब मुझे रियलाइज हुआ ओह नो, अब शायद क्वेश्चन आंसर होगा और मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है। एंड फाइनली सम हाउ आई मैनेज टू गो थ्रू इट। एंड जब अनाउंस हो रहा था तो वहाँ पे सिर्फ मेरे फैमिली फ्रेंड्स नहीं, सब लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। आप सुन सकते हैं, ऑल द चाइनीज, ऑल अदर कंट्रीज, एवरीवन वाज यू नो सेइंग इंडिया। और मैं मन में यही सोच रही थी कि प्लीज़ मुझे सुनने दो कि मिसेस मौले क्या बोल रही है, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केयर्ड एट दैट मोमेंट। दैट वॉज द मोमेंट वेन आई गॉट वेरी नर्वस, एंड इट्स लाइक दीज फीलिंग्स दे स्टार्ट बिल्डिंग अप, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी थी वहाँ पहुँचने के लिए। And then the moment I heard India, it just bursted. I had planned a very different reaction, a very ladylike reaction, but unfortunately that's what came out. And yeah, so it was like a lot of feelings. And the moment I heard India, उस वक्त एक अंदर से बहुत सारा excitement थी कि अब एक साल के लिए कितना कुछ करने को मिलेगा, and एक बहुत proud feeling थी because I could see my national director down there, and that's the first time I actually saw her so emotional, and I saw my parents. So a lot of emotions were going through my head at that time. पहला किसका ख्याल आया? Parents, mother? आपको मेरे answer से तो पता ही चल गया होगा, mama. Mama,
हाँ जी, यू आर ममाज गर्ल मैं देख रहा हूँ. अक्सर कहा जाता है कि बेटियां पापाज गर्ल होती हैं. ओह नो, आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर एज वेल, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माय मॉम. यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ योर मॉम. आपने कहा कि चीन की जो क्राउड थी वो भी चिल्ला रही थी इंडिया इंडिया, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आपने मिस वर्ल्ड जीता वो भी चीन में, जहां लगा कि इंडिया के बारे में कौन चिल्लाएगा. नहीं, इनफैक्ट हम एक महीने के लिए चीन में रहे और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यू नो मैं किसी और देश से हूँ, क्योंकि पीपल आर वेरी लविंग ओवर देयर एंड दे आर क्वाइट सिमिलर टू इंडियंस. और मुझे आई हैव एंजॉयड अ लॉट. चीन के स्पॉन्सर्स भी थे, उनसे भी मतलब मेरी आदत है कि मैं किसी से भी बात करने लग जाती थी वहाँ पे, तो स्पॉन्सर से भी बात करते थे, तो कभी लगा नहीं कि अगर लैंग्वेज बैरियर भी है कि वो चीन से है और मैं इंडिया से हूँ. तो एजेंडा आज तक आज और कल दो दिन चलेगा लगातार, और इसमें खेल जगत की, राजनीति की, सिनेमा की जानी मानी हस्तियां होंगी. आज मानुषी चिल्लर से शुरुआत हुई है, कल कपिल शर्मा के साथ अंत होगा. आप aajtak.in पर लगातार एजेंडा आज तक लाइव देख सकते हैं. लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.